कौन? गिदड़ 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 क्या था वो? बैठे बैठ क्या था वो? तो बैठे हाँ वो देखें, वो गिदड़ बैठा हुआ है। ये डर नहीं रहा है बिल्कुल भी, हो सकता है इसके हम पास हैं तो डर जाए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैरी आफियत से होंगे। तो आज का मज़ेदार व्लॉग शुरू करती हैं। तो आज बड़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ और यहाँ से व्लॉग शुरू होएगा। इधर कुछ ये दो गरीब लोग खड़े हुए हैं, ये तो ये भी नीचे से देख रही हैं। लेकिन आज जो हमने व्लॉग बनाने जाना है ना, वो हम जाएंगे वो उधर सामने चोलीस्तान भाई साहब। तो अभी नीचे उतरेंगे, नीचे उतर के तो इन दोनों को लेती हैं, फिर हम चलते हैं इधर। ये ऊपर का व्यू एक दफ़ा चेक करें सारे। इधर से शुरू करते हैं, ये इधर से इधर से इधर से ये चेक करें। तो यहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर ख़त्म कर दिया और अब हम चलेंगे नीचे। चलो वही, तो अभी हम घर से निकल आए हैं, तो अभी आगे जाएंगे, इधर से जाएंगे आगे घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6 का हो रहा है, 6 बजे निकल आए हैं। और हमारे पास एक और चीज़ भी है, वो है ये, और साथ जो है ना जवाब जा रहे हैं। कशान को उठाया लेकिन वो कहते हैं नहीं, सोया हुआ था, नींद आई हुई थी भाई को, वो सोया रहा। तो अभी हम लेट सोया, कितने बजे सोया? 4 बजे सोया है। तो इधर से गंदम की फसल जो है वो काट दी गई है, और ये देखें दूर दूर तक तो खाली खाली बंजर बंजर बंजर। हाँ इधर से भी काट दी गई है, इधर से नहीं इधर से काट दी गई है। तो अभी हम यहाँ से नीचे उतरेंगे पार होके आगे जंगल की तरफ। ये कुछ इनको क्या कहते हैं जवाब? उर्दू में क्या कहेंगे आप लोरियन? आपको पता होगा ना, उधर ये सब चीज़ें नहीं होती। कहता है उधर ये सब चीज़ें नहीं होती। इसका नाम क्या है? तो सराकी 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 में से क्या कहते हैं भला इसको, क्या कहते हैं? पहुंच गया लाहौर, हमें ये नहीं पता। इसे कहते हैं हरनोली। हरनोली हरनोली के ऊपर लगती हैं ये चीजें, ये जहर का काम भी करती हैं। हाँ बकरी के लिए, बकरियां कर खा जान, बकरियों के लिए जहर का काम भी करती हैं। तो हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से भी क्या तेरा हर ये अगर खा लेगी तो बकरी बकरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो साथ ये चीज़ जो लाए ना ये भी खाती हैं, और एक और चीज़ भी लाए जवाद की मन पसंद जवाद, इस जिस पानी ना हो चलेगा लेकिन कोक ना हो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये और, वो और, है और, और, ये काम ये चीज़ ये जवाद का लव है। तो अभी जाती हैं इधर से, ये जी रेगिस्तान, रेत सारी शुरू हो गई है, ये देखें अभी ऐसे चलेंगे आगे। वैसे जब शाम होगी ना उसमें मज़ा आ जाएगा। ये यहाँ अभी तो यहाँ कुछ दरख्त वगैरह हैं ना, ये घर के पास है, पास पास हैं, तो इसलिए थोड़ा ये दरख्त बचे हुए हैं, नहीं तो लोग काट लेती हैं इन्हें। अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो दरख्त सारे खाली हो जाएंगे, दूर दूर तक बंजर हो जाएगी, कुछ नज़र ही नहीं आएगा। मतलब नज़र आएगा, सब नज़र आएगा क्योंकि ग्राउंड सब बना होगा। हाँ दरख्त नहीं होंगे, साया नहीं होता इस वजह से। ये निशान जो पड़े हुए हैं ना नीचे, ये बकरियों के हैं, बकरियों। इधर इस जंगल में अभी फिलहाल गिद्दड़ ही रह गए हैं। एक और चीज़ भी रह गई है, क्रोकोपाइन। क्या क्रोकोपाइन? क्रोकोपाइन सराकी में से कहते हैं, इंग्लिश में क्रोकोपाइन कहते हैं। हाँ वो बाकी है क्योंकि हमारी जो इधर ये घास वगैरह लगा हुआ ना शुरू में, क्योंकि ये जंगल खत्म होता है तो आगे घास शुरू होता है, तो उसमें वो खाने के लिए आती है। उसकी ना जड़ें नीचे से निकाल के खाती है, बाकी ऊपर से फेंक देती है। जैसे आलू वगैरह काफी चीजें
वो चीजें जी लगाया थूम पे। थूम आपको मैंने दिखाया था व्लॉग में, दिखाया था वो जहाँ मैंने शुरू किया था ना, तो वहीं पे दिखाया था। वो खाते भी हैं ना भाई साहब, तो चेक करते हैं कैसे। तो आप खा गए? वाह ये जी शेर है, हमें लग गई थी भूख, हमने चीपी चीपी बिस्तर करके शुरू कर दो। वाह तो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, जब ये सूरज डूबेगा ना, फिर जो रेगिस्तान का मजा आएगा ना, वो एक अलग ही होगा। अभी चेक करें मिट्टी मिट्टी ऐसे ऐसे करने में बड़ा मजा आता है। तो थोड़े से सफर के बाद ये यहाँ पहुंचे हैं, काफी ऊंची जगह पे खड़े हैं ताकि सब कुछ नजर आए। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नहीं है वैसे, मतलब पीछे से जो चल के आए ना वो थोड़ी नीचे जगह थी, ये थोड़ी ऊपर है, तो यहाँ से व्यू बड़ा प्यारा आता है। ओए होए ओए होए माशाल्लाह। तो सामने इधर से जो है ना बकरियां चराने वाले भी फिर रहे हैं। इधर से अगर आपको दिखाऊं ना, ये देखें ये वाली जो है ना हल्की हल्की ग्रीनरी नजर आ रही है, ये वाली आगे अगर इधर देखें तो इधर बिल्कुल दूर दूर तक कोई ग्रीनरी नहीं है, ये थोड़ी सी है। बाकी यहाँ से हाँ पहले कह सकते हैं, अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ काट कूट के ले जाते हैं। भूखे नंगे सरेकी गुलाब जाना भूखे नंगे, तो वो लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे कुछ लोग वो भी चरा रहे हैं, बकरियां भी सुबह लेके आती हैं, शाम को लेके जाती हैं। तो उनमें से ये देखिए ये जा रहे हैं, ये इस जगह हम जूम करते हैं, ये देखे ये जा रहे हैं चाचा सा, फिर वो ले उसके अलावा ये वो भी फिर ये नहीं, मेरे हाथ को देख के वो ब्लर कर देते। तो उधर एक और भी है, बाकी यहाँ से दूर दूर चले गए। तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा, वो उस चाचे से भी मिलवाते हैं आपको। तो यहाँ से एक गिद्दड़ भी नजर आया ना, वो हमारी नजरों से बहुत उजल हो गया, मैं सेब खाने में मसरूफ था, व्लॉग मैंने यहाँ से रोका हुआ था, तो वो निकल गया हमारी नजरों से। तो सूरज जो है ना वो बड़ा बेहतरीन नजर आ रहा है। हम जा रहे थे तो एक चीज जो बटरफ्लाई है ना जिन्हें कहते हैं तितलियाँ, वो इधर एक झुंड से बैठे हुए हैं मुख्तलिफ दरख्तों के ऊपर ना, दरख्तों नहीं ये छोटे छोटे पौधे होते हैं ना इन पे बैठे हुए हैं, ये देखें ये वो भी बैठे हुए हैं इस तरह, ये भी बैठे हुए हैं, इनके पास जाते हैं देखते हैं क्या करते हैं। ये दोनों ये पीछे खड़े हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं, उड़ेंगे नहीं मेरा ख्याल तो यही है, वो उड़ने लग गई है, उड़ गई और इन्हें नहीं छेड़ते, बैठने देते हैं। ओ ये भी इधर भी सारी उड़ने लग गई, तो ओए ना छेड़ जवाद पास की है, ओ छोड़ वे, ये इसने एक पकड़ी भी है दिखा, दिखा। ओ यार वो भी निकल गई, तो बाकी वो उधर बैठी हुई है वो भी उड़ने लग गई हैं। तो और ये भी इन्हें एक दरख्त कौन सा कहते हैं सराकी में, तो इन्हें क्रीं कहते हैं, ये वाला जो दरख्त ये वाला छोटा पौधा है ना, लाणा लाणा इन्हें लाणी कहते हैं इन्हें लाणी कहते हैं। ये दोबारा से देखें बैठने लग गई, सराकी में ही पता है हमें, उर्दू का नहीं पता। हाँ मैं सर्च करूँगा और बाद में नीचे मैंशन करूँगा इनशाला। ये वाला जो है ना ये वाला पौधा वो सारी उड़ गई हैं, ये बैठी हुई है पकड़ नहीं उड़ गई। तो ये वाला जो पौधा है ना इसे कहते हैं लाणी, ये सूख जाता है तो लोग इसे जलाने का काम भी करते हैं, और ये जो है ये वाला इसे कहते हैं करहीं, करहीं हम तो इसे करहीं कहते हैं। ओए नहीं उड़ाओ, वो सारी उसने उड़ा दी है, कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा है इधर। तो ये इसे जो कहते हैं ना वो कहती हैं जाल, इस वाले दरख्त को पकड़ लिए, दिखाओ उड़ा देने से कहना कुछ नहीं। ये दो गठी थी तो इसे जो कहती है ना इसे कहती है जाल, इसके ये छोटे अभी हुए हुए हैं क्योंकि ये काट देते हैं, ये देखें तो इसे काट देते हैं तो इसलिए छोटे हुए हैं। बाकी वो वाले जो दरख्त है ना ये हो गया, ये बड़े हैं ये वाले, और वो भी ये भी बड़े हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे, कौन गिदड़ वो तो बैठे, हाँ वो देखें वो गिदड़ बैठा हुआ है, ये डर नहीं रहा है बिल्कुल भी, हो सकता है इसके हम पास जाए तो डर जाए,
कुत्ता तो क्या नहीं गिद्धड़ है मेरे ख्याल से गिद्धड़ है क्योंकि पहले भी एक हमारी आई है तो डर के भागे ना आगे तो हो सकता है इसके पास जाते हैं वो उधर बैठा पास जाते हैं तो देखते हैं क्या करते गिद्ध वो भाग गया यार भाग गया उधर से उठ के तो क्या बिल यहाँ पे हाँ बिल गए खाद इसमें सराकी में खाद कहती हैं तो वैसे कहती हैं खाद कहती हैं लेकिन सराकी में बिल कह उसमें उर्दू में बिल कहती हैं सराकी में खाद कहती हैं तो अभी हम चलते हैं आगे उधर जाते हैं थोड़ा सा वहाँ पे वो जो फिर रहे थे ना ये बकरियां चरा रहे थे उनके पास जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं कोई गपशप लगाते हैं थोड़ी सी आओ वो नहीं आएंगे आओ ये उधर गिदड़ देखने जा रही है कि वो क्या करते हैं तो उसे छोड़े तो वो ये आ गया बकरियां जो चरा रहे थे उसके पास हम तकरीबन पहुंचे वो भी अभी ये वो टाइम है ना कि जिसमें वो सारे अपने घरों को जाने लगती हैं सुबह लेके आती हैं इधर चराती हैं फिर वापस लेके जाती हैं और पानी वाली जो है ना बहुत किल्लत है कहीं पर पानी साफ है तो कहीं पर ख़राब तो ये फिर एक मसला है यहाँ का तो अभी उसके पास जाती हैं वहाँ पर जाके उससे बातचीत करते हैं तो रेत में ना पाऊँ ये वैसे तो इधर लकड़ियाँ गिरी हुई हैं तो किसी साफ वाले जो टीला है ना उस पर हम जाएंगे वहाँ जाके जूती उतारने में बड़ा मज़ा आता है वैसे जूती पहनी भी है मैंने लेकिन जूती उतार के चलने में जो मज़ा है ना जी वो बहुत पहले जब हम छोटे होते थे ना जूतियाँ हम शुरू में उतारते थे किसी दरख्त में छुपा के रख देते थे तो वैसे ही चल के जाते थे फिर वापसी पर आके उठाते थे वहीं से तो अभी चलती हैं इस चाचू जी से बात करती हैं थोड़ी सी कोई चाचा फैसला नहीं चाचा क्या हाल है ठीक चाचा वीडियो बढ़ा के ना तुम्हारी तो चाचा से इजाजत लिए तो वो लेके आई हैं कुछ बकरियां अपनी वापस लेके जा रही हैं अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है चाचू तबीयत सेहत एक क्या जाती है सराकी में से काफ कहती हैं तो केरे वाले सवेरे कितने बजे आंदे रहंदे सात बजे बस सारे नहीं थे घर बारह बजे बाल बाल बेंदे बाल वापस कितने बजे आने अच्छा ठीक है ये इनकी बकरियां चल लो जी ठीक है चाचू शुक्रिया ओके तो चाचू जो है वो वापस लेके जा रही हैं तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चल के क्योंकि शाम जो है ना चोलिस्तान की वो बहुत मज़े की होती है असद ने वो हमने बोतल इसने तो ख़त्म कर दी है हमारा हिस्सा भी और अपना हिस्सा भी लेकिन असद वो बंदा है ना इसने गंद नहीं मचाया इसने कहा नहीं इसे घर लेके जाऊंगा क्या क्लीन पाकिस्तान सेव एंड क्लीन पाकिस्तान तो ये देखें तितलियां यहाँ पे भी बैठी हुई हैं ये घर चाहती है पानी हाँ यहाँ पर ये गांव में तो बस जी देसी घी बहुत ही आम है तो आपको जरूरत हो तो दसाए तो जो वैसे गांव में ना रहती स्वर्ग ना एक किलो 2000 एक किलो जो है 2000 का है ये रेट असद भाई बता रही है जवाब कहते हैं कि जो रेट इतना तुमने डिस्काउंट क्यों लगाया हुआ है ये जो असल में है ना रेट वो 3000 कह रहे हैं तो ये कहते हैं नहीं जो व्यूअर्स है ना उनके लिए सस्ता है तो आपने अगर मंगवाना है तो किससे कॉन्टेक्ट करें असद से बलोच साहब बलोच साहब असद से नंबर हम डिस्क्रिप्शन में तो अभी हम फिर एक और ऊंची जगह पे चढ़ी है यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का माउंट है ये केटू वो जो है असद के मुताबिक वो पिछले वाली जो माउंटेन एवरेस्ट थी वो उधर पीछे चढ़े थे तो ये है केटू हाँ इसमें जो होता है ना चोलिस्तान में ये टीले खत्म होते रहती हैं और बनते रहती हैं छोटे छोटे क्योंकि हवा जो जब चलती है ना तो नेचर से ये सब तब्दील होता रहता है चीजें तो अभी यहाँ से देखें आगे ओए होए
कितनी कितनी कितनी, ये तो बड़े मजे का सीन मुझे लगता है ना। शाम को मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है कि ये देखें तितलियां बैठी हैं, तो शाम को व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि थोड़ी सी जो शाम है ना चोलिस्तान की, वो बहुत ही मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा। पानी शानी हम पी के फुल होके आए थे, साथ कोक शोक तो हमारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे जो आपको दिखाती है ना, ये यहाँ से लोग काट देते हैं, वही जाल जाल ही है ना, जाल ही है, उसे काट दिए, दरख्त का नाम है। वही वली को क्या आते थे पिए, ये वली जो है ना कोर्ट पे मेरे वाल सरेकी में से कोर्ट तुम्हें कहते हैं, ये बारिश के बाद होती है और गाय के लिए ये बहुत मुफीद चीज है। जब बीमार हो जाती है ना तो ये जब पक के रेडी हो जाता है ना तब उसे खिलाते हैं गाय को, ताकि वो शिफा मिल जाए। ठीक है, शिफा नहीं सेहत आप हो जाते हैं, शिफा होती है ना उसे मैं। चलो ठीक है जी, शिफा होती है। तो ये वाले जो है ना, ये चोलिस्तान में बहुत ही आम है, ये लाणी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं लाणी। तो अभी आगे चलते हैं, फिर वहां से वापस आ जाएंगे, शाम भी हो गई है। ये वाला जो सीन है ना, ये बहुत मजा लगा भी हुआ यहां पे। हाँ, ये जो ये मैं आपको बता रहा कोर्ट तुम्हें उसके साथ, ये देखें एक ये लगा भी हुआ है, इस तरह के लगते हैं, और इस एक के ऊपर, ये वाली एक के ऊपर काफी सारे लगते हैं। ये देखें एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, एक ये दो भी पड़े हुए, ये भी एक पड़ा हुआ, ये देखें और लग भी रहे हैं अंदर, ये छोटे छोटे, ये देखें ये लग भी रहे हैं उसी तरह। ये वैसे इंसानों, इंसान तो नहीं खाते, खाती हैं नहीं नहीं, इंसान नहीं खाते, नहीं, ये बारिश के बाद निकल आती हैं, और इन्हें ज्यादातर जानवर खाते हैं, उनके लिए बहुत ही करामत चीज है। इधर में आ रही है बारिश, हो गया आपको एक और चीज भी दिखाएंगे, खुम्बी खुम्बी। हाँ, हमारे इधर ना बारिश में, बारिश के बाद बल्कि एक दो दिन बाद जो खुम्बी है ना, वो बहुत ही लेवल की चीज है भाई साहब। हम इधर ढूंढने के लिए भी आती हैं, अगर साढ़े चार कभी साढ़े पाँच बजे जाते सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह चार पाँच बजे, गर्मी की होती में बंद आते। हाँ, फिर असल में होता पता है क्या है, जब बारिश हो जाती है ना उसके एक दो दिन बाद खुम्बी निकल आती है ना, इसी तरह जमीन के अंदर से, इसे कहते हैं मशरूम। हाँ, मशरूम कहते हैं। तो होता यह है, जो लोग होते हैं ना, ठीक है यार, ठीक है, मशरूम नहीं क्या, मशरूम 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 नहीं मशरूम, मुझे खुद भी गलती हो गई, क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा भाई बताएंगे, सभी जोर का कहते हैं मशरूम 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 नहीं आ रहा, मशरूम में मशरूम ही बोल रहा, जो ही बोल दे। अच्छा, ये जो है ना, ये सांप की आ गई है जी चीज, ये यहाँ सांप की बिल, और ये सांप की बिल है। इधर थोड़ा पीछे हो कैमरे में, थोड़ा कैप्चर करती है। ये जो सांप के ही बने हुए हैं निशान, और इसके अंदर सांप ही हैं, इधर भी हैं। आगे अगर जाए ना थोड़ा सा और आगे, तो वहाँ पे इससे भी ज्यादा बिल होंगी, बहुत ज्यादा। ये देखें, ये देखें, हाँ ये देखें, एक ये है, एक ये, एक ये, 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 इतनी सारी। ये वाला जो सीन है ना, ये वाला बहुत मजे का है, लव है भाई साहब। ये क्या रात का दिखाते होते हैं, क्या कहते थे, जानवर जानवर यार, रात को पता है क्या व्लॉग बनाए, लेकिन वो सही कैप्चर नहीं होते, नहीं होगा सही से, वीडियो नहीं बनती। तो अभी जो हमारा रूट है ना, तकरीबन दरमियान में है, दरमियान में आ गए जी, चलो अब चलते हैं, दरमियान में आ गए, काफी टाइम भी हो गया, क्या टाइम, टाइम तो आधा घंटा ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा, मोबाइल इसके पास है, आप आए हुए, ठीक है, तकरीबन आधा घंटा ही हुआ है, आधा घंटा ही हुआ है। ये देखे कितना प्यारा सीन लगता है, ऐसे आधा घंटे हुआ है, चढ़ी है खुम्बी, खड़ी है किधर, कितना कहता है जी, मशरूम मशरूम या वो कहता है एक लगी हुई है इधर, किधर, ये नहीं भाई, ये तो दूसरे नहीं, वो इस रैकी में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये पता नहीं इसमें क्या कहते हैं, ये वो खुम्बी नहीं है, अलबत्ता खुम्बी नहीं, डिफरेंट किस्म होते मशरूम, मशरूम की एक किस्म ही है, टाइप ही समझ ले वो है। अच्छा जवाब, या जूती ला दे चलाने, मजा कहीं आता, बहुत कमाल लगता पाऊंगा। तो थोड़ा सा हम ऐसे जूती उतार के चलते हैं, यहीं पे जूतियां उतारते हैं, लाओ इतनी इकट्ठी ला जा, ओ वहां तक हम चल के जाते हैं ना, ओए ओए लेवल हो जाते हैं भाई साहब, ये देखें मजा क्या, इतना कौन आ सी मिनी दुबई, ऐसे समझे मिनी दुबई, ये देखो बहुत मजा आता है इस तरह चलने में। ये
ये मिट्टी कितनी प्यारी बनी हुई है, तो कोई हवा की वजह से बिल्कुल प्लेन हो जाती है। ये आगे से इस तरह निशान लगा के आए हैं, वो देखें, वो हमारे जूते पड़े, वो जूते पड़े हैं। क्या तेरी शादी रिहाज माया रोई दवासी सॉन्ग याद आ रहे? कौन सा? इधर सामने खड़े होके बताओ सॉन्ग बताओ जी। तेरी शादी रिहाज माया रोई दवासी, आय हाय हाय हाय, ये है जी रोई चौलिस्तान। अभी यहाँ कोई तस्वीरें वगैरह बनाती हैं, फिर आगे चलती हैं। यहाँ से वो देखें ऊपर, वो क्या रहा है जी, जहाज शरीफ प्यारा है या जहाज है ये नहीं पता। यहाँ से बड़ा देखें, प्यारा सा लगता है दूर से, बंदा सारा साफ साफ होता है। तो ये ऊपर से आ रहा है, तो अभी हम कोई तस्वीरें वगैरह बनाते हैं फिर वापस आते हैं। तो जी सूरज देखें, बहुत ही मजे का लग रहा है, खाने का दिल कर रहा है। तो अभी चलती हैं, आपको पता है हमने जूते उतारे हुए थे, तस्वीरें वगैरह यस हो गई हैं भाई साहब। तो अभी चलते हैं घर को। ये वाला जो होता है ना कैमरे में कैप्चर करना ज़रूरी है, ये वाला जो सीन होता है, नहीं तो बाद में बंदा मिस करता है यार। क्या मौसम था, हाँ ऐसी बात है ना, ये लाहौर में मिस करेंगे, ये तो इधर ही होंगे, ये इधर के काले लाइफ इतने होते हैं, हाँ बिजी होता है बाहर कोई। तो हम जूतियों के पास आ गए, ये एग्जाम भी करीब आने वाला है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम भी इनके बिल्कुल करीब है। यहाँ से हम चल के गए थे, वो देखें सारे निशान पड़े हैं, यहाँ हम खड़े रहे हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं घर की तरफ। मुसाफिर की कब्र किस है? मुसाफिर की कब्र भी है, बल्कि वो तो मुझे याद ही नहीं रही, आप लोगों को दिखाने। हाँ कौन सुनाएगा, असद जवाब सुनाएगा या असद जवाब सुनाएगा? क्योंकि जवाब ने कोई बात नहीं की व्लॉग में, तो अब ये सुनाएगा। तो ये जो वाकई है ना, कोई मुझे ये नहीं समझना कि यार कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, हमें भी शुरू से यही बताया गया जो हम आपको भी बता रहे हैं। इधर ईंटें वगैरह ये जो अभी हम दिखाएंगे ना, वहाँ पे ईंटें इससे ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम है, लेकिन ये है कि हमें यही बताया गया था जो हम आपको अभी बता रहे हैं। ये जब पहले हमारे जो दादा वगैरह और मेरे बाबा वगैरह सब छोटे होते थे ना, हम तीनों कज़न ही हैं ना, तो हमारे बाबा सारे, हम तीनों कज़न ही हैं, तो हमारा सारे ना जो हम सारे हमारे जो बाबा वगैरह हैं सारे आपस में भाई हैं। तो वो मैं बताते थे कि ना इधर जब पहले तो आबादी नहीं होती थी इधर इतनी, अब जाके घर बने हैं इधर। तो पहले ना क्या कहते हैं भला, कोई दूर दराज किसी इलाके से ना एक कोई बंदा आया समझ ले ऐसे, वो ऐसा तो वो प्यास की तलाश में, प्यास मतलब इतनी प्यास लगी थी पानी की तलाश में ना, वो इधर क्या कहते हैं वफा डेथ हो गई थी उसकी। तो ये मेरे बाबा वगैरह ये सारे ये कज़न कुज़न है ना सारे इनके, तो वो आए थे, तो उन्हें पता लगा तो इधर ना वो, तो फिर उन्होंने ना इधर कब्र बना दी थी। चलिए आपको कब्र भी दिखा, ये वाली है, ये ईंटें वगैरह इधर बहुत सारी थी, अभी कम हो गई हैं, पहले इधर जाते थे तो यही, ये अभी फिलहाल ये थोड़ी सी पड़ी हुई है शायद, क्योंकि हम भी इतने अरसे से आए नहीं है। तो ऐसे एक मैथ मैथ कहती हैं या क्या वो कहती हैं, वो मैथ समझ लें या किस्सा समझ लें, लेकिन जो भी था खैर हमें यही बताया गया था वो इस जगह पे था, उसी जगह पे इसकी कब्र है जहाँ पे वो डेथ में थी, वो फात पाई थी उसने उसी जगह पे। हाँ लेकिन चलें, हमारा काम था आपको दिखाना, क्योंकि ये चीज़ भी हमने यहाँ सुनी है। तो बस अभी यहाँ से टीलों से क्रॉस करते हुए हम घर को निकल जाएंगे। तो जी अभी हम घर पहुँच आए हैं, तो आज का व्लॉग इस चांद के साथ, ये जो चांद है ना ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, इस चांद के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हैं। और क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठोक दें। और असल में आप कुछ कहेंगे? नहीं, अल्लाह सब में खुश रखे, अल्लाह दिया मान, अल्लाह दिया मान सिंह। और आज का व्लॉग खुदा हाफिज़, और इस व्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल देखा करें भाई। ओके अल्लाह हाफिज़।